तो तपती दोपहरी में दी है अग्नि परीक्षा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, आपको बता दें सपा सांसदों को अखिलेश यादव ने लगाया गले और कहा कि चुनाव में नकारात्मक राजनीति खत्म हुई, जनता के मुद्दों को उठाना प्राथमिकता। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व के दम पर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव के बाद आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव बोले कि आज जीते हुए सांसदों से मुलाकात हुई, सभी ने तपती दोपहर में मेहनत की, जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका ही ये नतीजा है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रदेश में जीत कर आया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, जनता की बात लोकसभा में रखना हमारी कोशिश रहेगी। हमारे साथ सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं, वहीं बीजेपी के साथ ऐसे भी साथी हैं जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आगे बोले कि इस चुनाव में नकारात्मक राजनीति खत्म हुई, सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हुई है, हमारे जीत से जनता के मुद्दों की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने आगे बोला कि हमारी प्राथमिकता संसद भवन में आम जनता की आवाज को उठाना होगा। हमारे सांसद भूल न जाएं कि जनता ने हमें बनाया है, हमें जनता के मुद्दों की बात करनी होगी, जनता के मुद्दों को उठाना हमारी प्राथमिकता होगा और हम आम जनता की आवाज संसद में उठाएंगे। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है, जनता की मुद्दों की जीत हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जाओगे तो हम कहेंगे, जाइए आप लोग। आप लोग जब जाओगे तभी कहेंगे कुछ।